सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अपन जैसे ही पबजी का अपडेट आया अपन ने किया तो उसके बाद अपनी पबजी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, और जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है वो आप पहले देखिए। सो गाइस, ये बहुत लोड होने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और बाद में लिखा आता है कुछ ये। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने जैसे ही VPN कनेक्ट किया और मैंने गेम ओपन की, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो मैंने VPN कनेक्ट किया था, फिर जैसे ही मैंने PUBG ओपन की तो फिर ये स्टार्ट हो रही थी। तो गाइस, पहले जैसे अपन क्लासिक मैच खेलते थे वैसे ही अभी भी VPN कनेक्ट करने के बाद भी चल रही है, बहुत मज़ा आ जाता है अभी भी। और एक तो नया अपडेट मेट्रो रॉयल, वो खेलने में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। मैंने आपको बहुत सारे VPN के लिंक दिए है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो ये फाइल इंस्टॉल करनी होगी, मेरे पास ये फाइल थी इसलिए मैंने इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताया, पर मैंने इंस्टॉल की नहीं बाद में क्योंकि मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। जैसे ही आपकी PUBG इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको कोई भी एक VPN ले लेना है और उसको कोई भी जगह से कनेक्ट कर लेना है सिवाय इंडिया के, उसके बाद आपको PUBG स्टार्ट करनी है। गाइस, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे गेम तो आपको लॉगिन ऑप्शंस मांगेंगे फेसबुक ट्विटर, तो आप दे देना जिससे भी आपको देना है। सो गाइस, इसी प्रोसेस के बाद आप खेल सकते हैं PUBG मोबाइल आफ्टर बैन इन इंडिया। सो तब तक के लिए बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच गया साला।